हेलो फ्रेंड्स, माय फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ मिलक्के की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आप इसे एक बार घर पर बनाएंगे तो आप मार्केट का मिलक्के खाना भूल जाएंगे। ये देखिए कितना सॉफ्ट और कितना दानेदार है। तो चलिए शुरू करते हैं। मिलक्के एक बनाने के लिए हमने 2 लीटर दूध लिया है। इसे हम कढ़ाई में डाल देंगे। ये हमने आयरन की कढ़ाई ली है। मिलक केक आयरन की कढ़ाई में बनाइए, क्योंकि अगर आप एल्युमिनियम या नॉनस्टिक कढ़ाई लेंगे तो उसमें दूध रिएक्ट कर जाता है और आपके मिलक केक का कलर भी चेंज हो जाएगा। अभी हमने दूध को गैस पर उबलने के लिए रख दिया है। इसे हम साथ साथ हिलाते रहेंगे। जब तक हमारा दूध उबल रहा है, हम मिलक केक के लिए मोल्ड तैयार कर लेते हैं। आज हमने ये मोल्ड लिया है। आप चाहे तो कोई भी बर्तन ले सकते हैं, इस टाइप का हो, कोई पतीली हो, कोई भी ले सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। ये हम घी से ग्रीस कर रहे हैं। साइड्स पे भी अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। ये हमने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब हम इसमें बटर पेपर लगा देंगे। बटर पेपर के ऊपर भी अच्छे से घी से ग्रीस कर देंगे। दूध को भी हमें साथ साथ हिलाते रहना है। जब तक ये उबाला नहीं आ जाता तब तक हम इसे हिलाते रहेंगे, ताकि हमारा दूध नीचे ना लगे। मिलक केक को दानेदार बनाने के लिए हमने 250 ग्राम पनीर लिया है। ये हमने रेडीमेड लिया है। आप चाहे तो घर पे भी बना सकते हो। अब हम इसे ग्रेट कर लेंगे। दूध पर भी हम साथ साथ ध्यान देते रहेंगे। इसे भी हम साथ साथ हिलाते रहेंगे, ताकि ये नीचे ना लगे। अब हम इसे ग्रेट कर लेते हैं। ये हमने सारे पनीर को ग्रेट कर लिया है। हलवाई लोग उसे दानेदार बनाने के लिए ज्यादातर फिटकरी का यूज करते हैं और कुछ लोग नींबू का भी यूज करते हैं। आज हमने इंस्टेंट बनाने के लिए ये रेडीमेड पनीर लिया है। ये दूध में भी हमारे उबाल आना शुरू हो गया है। इसके साथ साथ ये जो साइड में मलाई आ रही है, इसे भी हम साथ साथ उतारते रहेंगे और इसे अच्छे से हिला देंगे। ये हमारा दूध थोड़ा थिक होना स्टार्ट हो गया है। इसे हम और थिक कर लेंगे। दूध हमारा थोड़ा थोड़ा थिक हो गया है। इसमें हम अपने ग्रेट किए हुए पनीर डाल देते हैं। और इसे उसी तरह हिलाते रहेंगे। इसे हम हाई फ्लेम पे पका रहे हैं। दूध को पकाते हुए हमें लगभग आधा घंटा हो चुका है। हमारा दूध भी देखिए आधा हो चुका है। इसे हमें अभी और भी थिक करना है। ये देखिए कितना दानेदार और ये कितना थिक हो गया है। इस स्टेज पर हम इसे हिलाते रहेंगे। हिलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अभी हमारा दूध काफी थिक हो चुका है। अब हम इसमें अपनी 250 ग्राम चीनी ऐड कर देंगे। आप चाहे तो अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा डाल सकते हैं। इसमें हम फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल देते हैं। इसमें हमने अपनी चीनी डाल दी है। चीनी पानी छोड़ जाती है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा पतला हो गया है। अब हम इसे और गाढ़ा कर लेंगे। इस स्टेज पर दूध काफी उछलने लग जाता है, तो आप अपनी सेफ्टी के लिए कोई भी प्लेट या थाली का यूज कर सकते हैं इस तरह से। साथ में हम हिलाना बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ताकि दूध हमारा नीचे ना लगे। अभी हमारा दूध भी इसमें से उछलना बंद हो गया और ये भी काफी गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें अपना घी डाल देंगे। अभी हमने 1 चम्मच घी डाला है।
इसमें हमने टोटल 4 चम्मच घी डाल दी है। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसे मिलक के एक जैसा ब्राउनिश कलर देने के लिए हम इसे अच्छे से पका लेंगे। इस तरह से हम हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। अभी हमारे मिल्क केक का बैटर एकदम रेडी हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अब हम इसे अपने मोल्ड में ट्रांसफर कर देते हैं। अब हम इसे चम्मच या स्पैचुला की हेल्प से इसे एक सार कर देंगे। अब हम इसे फॉइल पेपर से कवर कर देते हैं और इसके ऊपर थाली रखकर इसे टॉवल से एकदम बंद कर देते हैं ताकि इसमें हीट बनी रहे और इसका अच्छा सा कलर आ जाए। अब हम इसे 24 घंटे के लिए किचन में ही रख देंगे। हम इसे फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखेंगे और इसे 24 घंटे के बाद देखेंगे। अब मिल्क केक को रखे हुए हमें 24 घंटे हो गए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। अभी ये अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसे साइड से निकाल लेते हैं। अभी हमारा मिल्क केक निकल गया। बटर पेपर इससे उतार देते हैं। अब इसे काट लेते हैं। ये हमने सारे काट लिए। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है हमारा। ये हमने प्लेट में निकाल दिए। अब हम इसे पिस्ता से गार्निश कर देते हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट और कितना दानेदार है। इसे खा के बताते हैं। कितना यम्मी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने रिव्यूज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।